फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है बरसात से पहले आप अपने प्लांट्स के लिए कुछ तैयारी शुरू कर दें ताकि हमारे प्लांट्स स्वस्थ दिखें और उनको ज़्यादा बरसात में भी ज़्यादा पानी ओवर पानी मिलने से इरिटेशन ना हो। तो इसके लिए मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या आप पॉइंट करें। अगर आपके प्लांट्स में सॉयल कम है, इसमें मैंने थोड़ी सी सॉइल निकलवा दी थी ताकि मैं अपने प्लांट्स में थोड़ी सी खाद, कंपोस्ट और खाद दे दूं और थोड़ी सी सॉइल और डाल दूं। सॉइल इतनी डालनी है, आपने 2 या 3 इंच से गमला कम खाली नहीं रखना, बाकी में सारी सॉइल होगी। और ये मैं सॉइल आपको दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल डीकम्पोस्ट हो चुका गोबर खाद और सॉइल मिक्स है। इसमें वर्मी कंपोस्ट, पत्तों की खाद और केंचुआ खाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में मैंने डाली है। और मैं अब जो मेरे सभी प्लांट्स में मैंने थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल दी थी उसमें मैं भर दूंगी और 2 और 3 इंच पानी के लिए रखूंगी। ड्रेनिंग सिस्टम भी आप इसका बढ़िया रखें। और एक हमारे प्लांट्स को फंगस लगने का डर रहता है बरसात के मौसम में, उसके लिए अगर आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड देना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगी। आप चूना चूना लें, 1 kg के बराबर चूना लें और उसमें आप 50 ग्राम की मात्रा में नीला थोथा डाल दें। ये आप फ्रूट वाले और वेजिटेबल वाले सभी प्लांट्स में, आप डेकोरेशन वाले प्लांट्स में, सभी में आप डाल सकते हैं 1 चम्मच के हिसाब से। अगर आप पाउडर के रूप में डालते हैं, आप खाद होगी, खाद भी आप अपनी इसमें प्लांट्स में, अगर 24 इंच का प्लांट है और आपका पौधा भी प्लांट भी आपका मैच्योर हो चुका है तो उसमें आप 50 ग्राम से ज़्यादा आप खाद मत दें। और छोटे जो प्लांट हैं उसमें आप 10 ग्राम के करीब खाद दें और आप सॉयल में मिक्स करके दें। दूसरे नंबर पे मैं आपको दिखाऊंगी कि जो ये हमारे प्लांट्स हैं इनमें जो प्लेट्स लगी हुई है वो आप प्लेट निकाल दें ताकि जो हमारा बरसात का पानी है वो हमारा ड्रेनिंग सिस्टम से नीचे चला जाए। अगर हमारी प्लेट में वो रुकता है तो फर्स्ट नंबर पे ये है कि वो पानी हमारा प्लांट खींचता रहेगा, उसकी रूट्स खींचती रहेंगी और वो रूट्स हमारी गल जाएंगी। और दूसरा ये है कि अगर प्लेट में पानी खड़ा रहेगा तो बरसात के मौसम में मच्छर होने से हमारी बीमारियाँ फैलने का डर होगा। और पहले आपके बरसात से पहले आपके जो पोट हैं उनकी आप गुड़ाई निराई कर दें। इसका मतलब ये है कि एक्स्ट्रा जो भी अपने पोट में पत्थर या पत्ते हैं, जो चाहे गल भी जाएं पर वो हमारे फंगस का एक कारण बनेंगे, हमारे प्लांट्स को फंगस देंगे। तो इसके लिए आप एक गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने का मतलब ये होगा कि हमारा ड्रेनिंग सिस्टम से पानी बाहर निकल जाएगा और रूट को फंगस नहीं लगे। आप अपने पोट को सॉयल से भर दें। ये सॉयल ही है, बस थोड़ी मात्रा में हमारे कंपोस्ट खाद और वर्मी कंपोस्ट डाला हुआ, वो आपकी इच्छा जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप थोड़ी मात्रा में डाल दें। एक आप अगर प्लांटर वाली दुकान पे नर्सरी में जाते हैं तो वो ये फंगीसाइड के लिए दवाई देते हैं। अगर आपने डालनी है तो आप 5 लीटर पानी में तकरीबन 1 चम्मच 50 ग्राम के करीब डाल लें और 1 ही गिलास के हिसाब से आप सभी प्लांट्स में डाल दें। और मैंने यहाँ पे 1 गिलास में 2 ड्रॉप्स डाले हैं और ये मैं एक प्लांट के लिए दूंगी। ज़्यादा भी आप मत डालें क्योंकि ये हमारा पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड है। रात आने से पहले आप इसकी भी तैयारी कर लें। अगर आप नर्सरी, हमारे यहाँ नर्सरी बहुत दूर है तो आप नर्सरी पे जाके अपने प्लांट्स ला सकते हैं और उनको आप ऐसे करके रख सकते हैं। बरसात से पहले आप एयर लेयरिंग की भी तैयारी कर लें ताकि आप एयर लेयरिंग कर लें, कटिंग की भी तैयारी कर लें। कटिंग से बरसात के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगते हैं। और एक मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि जो ये बड़े प्लांट्स होते हैं, जो पहले फाइकस है, ये जो भी लगे हुए हैं प्लांट्स, उनका आप ड्रेनिंग सिस्टम बढ़िया बना दें। बढ़िया का मतलब ये है कि आप उनको चेक कर लें, सभी प्लांट्स को, पोट्स को आप नीचे से भी चेक करें। एक आप सबसे मेन बात ये करना कि अपने सभी पोट्स को
आप नीचे से जो उसका ड्रेनिंग सिस्टम है उसको देखना कि वो कहीं बंद तो नहीं है, क्योंकि हम गर्मी में उसको पानी डालते हैं और मिट्टी खिसक कर हमारे ड्रेनिंग होल तक पहुंच जाती है और वो हमारी जो डिक्री लगी हुई है उसको भी खिसका देती है, तो वो हमारा ड्रेनिंग सिस्टम बंद ना कर दे। तो अब ये प्लांट काफ़ी बड़ा है, अब इसकी रूट्स नीचे तक आ चुकी हैं, इनको मैं कटर से काट दूँगी और काटने के बाद स्क्रू की सहायता से मैं इसको जो हमारी वो डिक्री लगी हुई है उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा अंदर करने की कोशिश करूँगी। ऐसे आप रूट्स काट दें जितनी हो सकती है और स्क्रू की सहायता से आप इसको डिक्री को थोड़ा सा आप अंदर वाली साइड कर दें ताकि वो मिट्टी को भी ऊपर ले जाए और हमारा ड्रेनिंग जो होल है वो खुल जाए। सबसे मेन बात ये करनी है। और एक आप देख रहे हैं मैंने इसको अच्छी तरह से पोट को भर दिया मिट्टी से, और अब आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी जो गोबर की खाद है और डीकम्पोस्ट की हुई खाद है वो ऊपर आ गई, मैंने पानी दिया ना तो ऊपर आ गई। इसलिए आप थोड़ा सा अगर दो इंच आप नीचे रखेंगे तो जब हमारा बरसात का पानी गिरेगा तो ये जो हमारा गोबर है या जो काऊ डंक है वो फूल कर बाहर ना निकल जाए, इसलिए इतना ही खाली रखें और इसका ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा रखें। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।